समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। घर में बंद होकर अगर बोर हो गए हों तो आज बनाते हैं रोट की ये रेसिपी। हेलो दोस्तों, नेमत खाना पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। ये रेसिपी बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है, बस आटा, घी और चीनी। बेसिकली यही तीन चीज़ हैं जिनसे ये रेसिपी तैयार होगी और उम्मीद है सबों ने इन चीज़ों को ज़रूर स्टोर किया होगा। तो चलिए मन बहलाते हैं और रोट बनाते हैं। शाम की स्नैकिंग के लिए ये बेहतरीन चीज़ है और छुट्टी में बंद घरों में बच्चों को जो बार बार भूख लगती है और हमारे हस्बैंड भी बार बार कुछ न कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ न कुछ नया खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आज इन सबों के लिए है। यहाँ पर हमने 250 ml वाली मेजरिंग कप से एक कप चपाती वाला आटा लिया है। यहाँ पर कोई मैदा वैदे की ज़रूरत नहीं है, इसे आटे से ही बनाया जाता है और पुराने वक्तों में इसे चक्की के पीसे हुए चोकर वाले आटे से बनाया जाता था, जिससे ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब 80 ml के मेजरिंग कप से मैंने एक कप भरकर पिसी हुई चीनी लिया है और 60 ml के मेजरिंग कप से एक कप भरकर हमने प्योर घी लिया है। यहाँ पर चीनी पिसी हुई होनी ज़रूरी है और प्योर घी का होना लाजमी है। इसे कुकिंग ऑयल से या ऑलिव ऑयल से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी प्योर घी की जो खुशबू होती है वही इसकी पहचान है, वही इसका मज़ा है। ये एक लोकल डिश है और इसका परफेक्ट मेज़रमेंट ये है कि 1 kg आटे में 1/2 kg चीनी और 250 ग्राम घी इस्तेमाल किया जाता है। आप आटे की जो भी क्वांटिटी लें उसमें इस रेशियो को एडजस्ट करें। हमने इसमें 1/8 teaspoon खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया है, यानी मीठा सोडा। मान लें कि लगभग 2 चुटकी हमने इसमें डाला है मीठा सोडा। ऑथेंटिकली तो इसमें खाने वाला सोडा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस इसे धीमी आंच पर पकाकर ही इसे खस्ता बनाया जाता है। साथ ही सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ पर 1 tablespoon थोड़ा खट्टा दही इस्तेमाल किया है, इससे इसमें एक खट्टा मीठा और नमकीन सा स्वाद भी आ जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। अब इसे दोनों हाथों से दबा दबा कर हम इसमें सारी चीज़ें एक जान करते हैं और हाथों के बीच इसे रगड़ रगड़ कर इसे क्रम्बली सा कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें घी और चीनी को इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी भी हल्के हल्के बिल्कुल छींटे की शक्ल में डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ सादा पानी है। हम इसे गूंथते नहीं, बस इसे दबा दबा कर इकट्ठा करते हैं और पानी का छींटा डालने से इसमें जो चीनी है वो पिघलती है और इसकी एक मजबूत सी बाइंडिंग हो जाती है और इसका आटा भी सख्त गूंथते हैं, यानी थोड़ा चपाती के आटे से ज़्यादा कड़ा। और इसे रेस्ट पर जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे रेस्ट पर हम नहीं छोड़ेंगे। गूंथते के साथ ही हम इसे तवा पर डालेंगे। अगर हमने इसे रेस्ट में छोड़ दिया तो इसकी चीनी पिघल कर बाहर निकल जाएगी और जब आप इसे तवा पर सेकेंगे तो चीनी का कैरमल बन जाएगा और चीनी जलने लगेगी। इससे बाहरी सतह तो बिल्कुल पककर काला हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसे हम रेस्ट पर नहीं डालते हैं, बस इसे गूंथ कर गरम तवे पे डाल दिया जाता है और जहाँ पर 2.5 kg आटे का रोट बनाया जाता है वहाँ पर भी ये एक एक करके ही गूंधा जाता है। यहाँ पर मैंने कटी हुई नारियल, पिसी हुई इलायची और 1 teaspoon पॉपी सीड इस्तेमाल किया है और ये इसी तरह से बाहरी सिरे पर दबाकर लगाया जाता है। इससे ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार और सौंधा हो जाता है। और अगर नारियल खुलकर निकल रहा है तो उसकी चिंता ना करें, जब आप इसे तवे पर डालेंगी तो चीनी पिघल कर बाहर निकलेगी और नारियल बिल्कुल जकड़कर इसमें चिपक जाएगा। तो ये तरीका था इसके बनाने का। अब इसे बेलने के बाद भी इसका सरफेस थोड़ा अनइवन ही आपको दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा कड़ा आटा है और इसे इसी तरह से बनाया जाता है। अब इस तरह से हमने दबा दबा कर इसे चिपकाने की कोशिश किया है
और एक तरफ हमने अपने थिक बॉटम्ड स्किलेट को गर्म कर लिया है। ये लगभग 10 मिनट से धीमी आंच पर गर्म हो रहा था और अब ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें हमने अपना रोट डाल दिया है और अब इसे ढककर हम पकने देंगे। इसको बहुत ही इत्मीनान से पकने देना है। और देखिए, यहाँ पर इसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसे मैं आपको दिखाने के लिए खोल रही हूँ ताकि दिखा सकूँ कि अभी नीचे से ये कितना बना है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, इसके मतलब अभी इसको पकना बाकी है। अब ये पक चुका है, लगभग 2-3 मिनट तक हमने इसे पकाया है। और अब देखिए, ये पलटने के बाद आप इसकी दूसरी सतह देख सकते हैं। और देखिए, ये पककर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से सिकाया है। हमारा रोट या रोटला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये ना समझें कि ये गड़बड़ हो गया है, बल्कि इसकी किनारी इसी तरह अनइवन होती है और सरफेस भी इसी तरह से रफ होता है। यही इसका टेक्सचर है। बहुत ही मज़ेदार सोंधी सी खुशबू इससे आ रही है, जो कि पास वालों को ही महसूस हो सकता है। और ये एक लोकल डिश है और इसे इसी तरह से बनाया जाता है। तो शाम के वक्त ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। यूँ तो आप किसी वक्त भी इसे खा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात इसकी ये है कि ये रोटला जब भी बनाएं थिक बॉटम स्केलेट पर ही बनाएं, वरना ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और इसको बनाने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसे धीमी आंच पर सेकना है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया और गर्म स्केलेट पर ये तब तक रखा रहा जब तक स्केलेट में थोड़ी गर्मी बाकी बची रही। तो इसी तरह से इसको बनाते हैं। और खाने का तरीका ये है कि ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसे खाया जाए। अगर सुबह में बने तो शाम में खाया जाए, और अगर शाम में बने तो दूसरे दिन तक इंतज़ार कर लेना ही बेहतर है। और अगर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो तो इसे आप खा सकते हैं, ये हर हाल में मज़ेदार लगेगा। आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसा बना है। ये इसी तरह से दरदरा बनता है। और घी और चीनी हमेशा इसमें नाप कर ही डालें, वरना ये टूट सकता है, बिखर सकता है। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी बिल्कुल पक चुका है। तो इसे बनाएं और खाएं, लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी लोकल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। बने रहें मेरे साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।